क्या बात है। जी हाँ, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। 22 साल का एक युवा आज 22 करोड़ रुपए का मालिक है। वह युवा जो महज 3 साल पहले वाराणसी जैसे शहर में सिर्फ 500 रुपए में पूरे महीने का अपना गुजारा करने को मजबूर था। फर्श से अर्श तक की इस चमत्कारिक कहानी का मुख्य पात्र है तीक्ष्ण बुद्धि और कड़ी मेहनत की संगम वाला IIT BHU का छात्र सौरभ मौर्य। सौरभ मौर्य की चमत्कारिक सफलता की कहानी को अविश्वसनीय परंतु सत्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। मात्र 2-3 साल के भीतर ही महज 500 रुपए से 22 करोड़ रुपयों तक के सफर वाली यह सच्चाई स्वयं सौरभ को बहुत ज्यादा चौंकाने वाली नहीं लगती। क्या होता है सर? देखिए, मैं तो इस फेज से गुजर चुका हूँ। ये जर्नी मेरे द्वारा स्थापित की गई है, जर्नी का मैंने पूरा देखा है, तो मुझे तो उतना चौंकाने वाले नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप परिश्रम करते तो इससे बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे आप कम एज में ही जा सकते हैं। बट जो लोग सुनते हैं वो थोड़ा सा चौंक जाते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा एक वैल्यूएशन है जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये सही है उतना ही। सौरभ मौर्य चाहे जो भी कहें, पर उनकी कंपनी रैंकर्स JEE की गगनचुंबी सफलता आज एक स्थापित सत्य है। दरअसल रैंकर्स JEE की छत्र छाया तले 3 स्टार्टअप्स का संचालन होता है। पहला रैंकर्स ऑनलाइन क्लासेस, जिसके तहत IIT JEE, नीट फाउंडेशन कोर्सेज और NTSC जैसी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए उचित मार्गदर्शन और कोचिंग उपलब्ध होती है। दूसरा रैंकर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों के लिए होम ट्यूशंस सहित ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, टेस्ट्स, मोटिवेशनल सेशंस उपयोगी, प्रामाणिक और रोचक तरीके से दी जाती है। तीसरा स्टार्टअप है रैंकर्स ऑफलाइन क्लासेस एंड कंसल्टेंसी, जिसमें IIT JEE, नीट फाउंडेशन कोर्सेज जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ऑफलाइन क्लासेस के जरिए मार्गदर्शन और कोचिंग मिलती है। साथ ही साथ स्पेशल मेंटरिंग और गाइडेंस के भी विशेष प्रबंध होते हैं। क्लास 6 से ही हम लोग के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे रैंकर्स का कंसल्टेंसी फॉर्म हो गया, रैंकर्स का क्लास 9-10 हो गया, रैंकर्स का मेंटरिंग विभाग हो गया, रैंकर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो गया, रैंकर्स के ऑफलाइन क्लासेस हो गई, रैंकर्स का JEE चैनल हो गया। तो हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के माध्यम से जितने भी पढ़ाई के साथ लगने वाले स्कोप है उनको फुलफिलमेंट कर रहे हैं। IIT में दाखिले की तैयारी में जुटे विद्यार्थी गण सौरभ मौर्य के इस रैंकर्स JEE से काफी खुश हैं। तो मैं ऑनलाइन पे सर्च करता था, तो फिर YouTube पे मेरे को रैंकर्स JEE का चैनल का पता चला, सौरभ मौर्य। हाँ, सौरभ मौर्य सर हैं, तो उनसे मैं पढ़ता था उनके YouTube चैनल से। फिर उसके बाद उन्होंने बैचेस भी लॉन्च किए थे, तो मैं उसमें भी इन्वॉल्व रहा हूँ। तो इन्होंने हेल्प किया है, क्वेश्चन बैंकिंग के लगाता था, ये टेस्ट सीरीज जो दिए थे टेस्ट भी मैं देता था। और फिर से सौरभ मौर्य भैया बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। पहले हम इनके यहाँ ऑनलाइन क्लासेस करते थे यूट्यूब पे, लेकिन अब ऑफलाइन में जब मालूम चला है तो हम ऑफलाइन करने काफ़ी अच्छा हमको यहाँ से आउटपुट मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौरभ मौर्य हमें पढ़ाते हैं तो हमें पता है वो कैसा पढ़ाते हैं, और कोई टीचर जैसे हमें पढ़ाए तो हमें पता नहीं है वो कैसा पढ़ाते हैं, तो सौरभ मौर्य के साथ हम पढ़ते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए आप यहाँ ज्वाइन किए हैं? सर, पहले लॉकडाउन में मैंने इनका वीडियो देखा, मैं टोटली इम्प्रेस हो गया सर, कि पढ़ा रहे थे तो अच्छे समझ आ रहा था सर, इसलिए ऑनलाइन से ऑफलाइन स्विच होना अच्छा समझा। तो मुझे लगता है सर, ये सौरभ सर ये बेस्ट टीचर इन दीवार से। केवल 2-3 सालों में ही करोड़ों की छलांग लगाने वाली सौरभ मौर्य की इस कंपनी में आज ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग नॉन टीचिंग सबों को मिलाकर लगभग 230 लोग जुड़े हैं। सौरभ मौर्य की ताबड़तोड़ सफलता की कहानी शुरू होती है साल 2018 में, जब उन्हें IIT BHU में दाखिला मिला। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के चलते वो ट्यूशन और कोचिंग से कुछ पैसे कमाना चाहते थे, पर बच्चा समझकर किसी भी कोचिंग सेंटर वाले ने उन्हें घास नहीं डाली। तब उन्होंने अपने बूते कुछ कर गुजरने की ठानी, और यहीं से शुरू होती है उनकी अद्भुत कहानी।
सौरभ मौर्य के साधारण किसान परिवार में पढ़ाई पर जोर था, पर पैसे की किल्लत थी। साल 2018 में सौरभ के आईआईटी पीएचयू में दाखिले से पहले ही उनकी इस जॉइंट फैमिली से दो बड़े भाई सूरज और दीपक आईआईटी निकाल चुके थे। सबसे बड़ी बात इसकी है सर, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन। जब मैं बनारस में अभी आए थे हम लोग, तो सूरज दीपक भैया तो मुझसे एक साल पहले ही चले गए आईआईटी में अपने निकाल के। मेरे पास सबसे बड़ा ये था कि 500 रुपए में मुझे पूरा महीना चलाना पड़ता था। अच्छा। 500 रुपीज में इतना ही घर से खर्चा मिलता था, बाकी 3,500 रुपया पापा देते थे रूम का। तो मतलब आप मान लीजिए 500 रुपए से एक रुपया ज्यादा नहीं, ना हमें मांगने में भी शर्म लगती थी सर कि परिवार में तीन तीन बड़े भाई हैं, एक बहन है, सबके साथ कैसे हम लोग करें। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से सौरभ ने शुरुआत की। मेरी सबसे पहली कमाई 150 रुपए, वो भी मैंने अपनी मम्मी को दिया था। फिर मेरी कमाई 1500 रुपए हुए, तो वो एक पैशन जुड़ गया कि अब तुम पढ़ाओगे ही। तो मैं आईआईटी में आने के बाद भी उस कारण से उस पैशन को अपना करने लगा, क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि भाई जिसमें मेरा दिल लग रहा है वही करते हैं। भले ही स्थानीय कोचिंग वालों ने बच्चा समझकर उन्हें पढ़ाने का मौका नहीं दिया, पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। तो शुरुआत में मैंने हाथ में ऐसे पेज लेके, कैमरा एक हाथ से पकड़ के, पेज नीचे रख के ऐसे लिखने के यूट्यूब चैनल बनाया। फिर धीरे धीरे वहां से सर चीजें मैं करता गया, कंसिस्टेंसी मेंटेन करता गया। हॉस्टल में मैं रहता था, मेस में नहीं जाता था। जितना देर मेस की छुट्टी होती थी, मैं उतने देर में एक वीडियो बना लेता था। ये रहा शुरुआत से। उन दिनों समय बचाने के लिए हॉस्टल मेस की बजाय सौरभ कमरे में ही मैगी बनाकर खाते थे। तो शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, 8 महीने तक मैं लगा। पहले 20 व्यूज, फिर 23 व्यूज, फिर स्ट्रेटेजी डाला, फिर मैं बताया कि मैं आईआईटी कैसे निकालू, आपको क्या चाहिए आईआईटी में, आपको टॉप रैंक। तो फिर एक दिन ऐसे ही मैं बैठे बैठे अपनी जर्नी शेयर किया कि मेरी लाइफ में अगर मैंने आईआईटी निकालना है तो किन किन चीजों को ध्यान रख के निकाला। सौभाग्य से वो वीडियो अच्छी खासी हिट कर गई और यहीं से सौरभ की निकल पड़ी। शुरू में यूट्यूब और व्हाट्सएप पर आईआईटी की तैयारी में जुटे बच्चों को मुफ्त सलाह, भीड़ बढ़ने पर 99 रुपए के पैक की शुरुआत, साथ ही आईआईटी के ही साथियों को बतौर मेंटोर जोड़ा, पैसों के लेन देन को व्यवस्थित करने के लिए पेमेंट गेटवे लिया और मई 2019 में कंपनी का औपचारिक गठन हुआ। इस प्रकार साल भर के भीतर ही सौरभ मौर्य चल पड़े थे करोड़पति बनने की राह पर। अब कैपेसिटर को डिफाइन करने के लिए हम लोग बोलते हैं दिस इज सिंबल, ये हमारा कैपेसिटर का सिंबल है। हजारों से लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों के मालिक बनने के सफर में सौरभ मौर्य को मुश्किल से 1-2 साल लगे। रात रात भर जागकर अकेले अपनी मेहनत से YouTube पर नोट्स अपलोड करने से शुरू हुए इस सफर में IIT BHU के सेकंड ईयर में ही सौरभ करोड़पति बन चुके थे। अगर ये स्पेशल कैपेसिटर है तो स्पेशल कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटी मान होता है इसको निकालने का जनरल फॉर्मूला ये किस कैसे आया। सौरभ मौर्य के करोड़पति बनने की राह पर सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था उनकी मेहनत और मेंटरशिप की बदौलत पहले साल में ही उनके 27 बच्चों का आईआईटी में दाखिला पाना। सौरभ ने इस सुअवसर का सार्थक सदुपयोग किया। उसके बाद ये प्राइसिंग हमने सर इंक्रीज किया क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हुए, वहां से अब सीआर वाला मामला स्टार्ट हुआ, ट्रांजैक्शंस ज्यादा हैं। फिर हमने इसको इलॉन्गेट किया, अभी मेंटरशिप था, हमने कोर्स बेचे, फिर हमने कोर्स के साथ साथ इंटीग्रेटेड ईयर लॉन्ग क्रैश कोर्सेज, ऑफलाइन कोचिंग, पर्सनल ट्यूशन, लोगों को बढ़ाया, बैकअप कराया, पांडेपुर में ऑफिस खोला। इस प्रकार आईआईटी के सेकंड ईयर में ही सौरभ करोड़पति बन चुके थे। ये यहाँ से सीआर का थोड़ा सा मामला टच हुआ। ये वो किस से बात है, एक साल लगा? एक साल में सर मुझे लगता है कि हम लोगों का वैल्यूएशन 14 करोड़ पार था, 14 करोड़ के पार था जब आप सेकंड ईयर में थे। हाँ, आप थर्ड सेकंड ईयर का क्रॉसिंग आप मान सकते हैं। और इस बार तो ऑनलाइन का बूम आया ही, आपको तो पता ही है, उसको डबल होने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यानी सौरभ की कंपनी का मौजूदा वैल्यूएशन कम से कम 20-25 करोड़ रुपयों का है, पर ऐसी रूमानी सफलता के साथ कठिन चुनौतियां भी आती हैं। सिस्टम ऐसे बन गया है कि 2 बजे के पहले तो मैं बेड पे जा ही नहीं सकता, चाहे जितना मैं फ्री हो जाऊं। अभी आज हमारा इंटरव्यू हो रहा है, अभी मेरी क्लासेस 2-3 पड़ी हुई है। तो बहुत सारी चीजें, मुझे लगता है 3-4 लाइफ में बहुत बड़े बड़े चुनौती हैं। फैमिली को टाइम देना, दोस्तों को टाइम देना, अपने पर्सनल लाइफ को देखना, कॉलेज को मेंटेन करना, कंपनी के सारे स्टाफ को खुश रखना, बच्चों को खुश रखना, कोई निगेटिव फीडबैक है तो उस पर सोचना। इन सब के बीच काबिले तारीफ यह भी है कि सौरभ मौर्य ने अब तक आईआईटी के अपने 5-6 सेमेस्टर्स में
7.2 का CGPA भी बनाए रखा है। सौरभ मौर्य के इस हैरतअंगेज व्यावसायिक सफलता का केंद्र बिंदु है IIT में पढ़ने की ललक, IIT में दाखिला। तो आखिर वो कौन कौन सी खास बातें हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान रखना जरूरी होता है IIT में पढ़ने की ललक रखने वाले छात्र छात्राओं को, आइए जानते हैं स्वयं सौरभ से। हर वर्ष लाखों लाख छात्र छात्राएं IIT में जाने के लिए प्रयास करते हैं, उन सब के लिए सौरभ की सलाह अमूल्य है। हर वर्ष 14 से 15 लाख लोग अपीयर होते हैं JEE Main जैसे एग्जाम में। JEE Main पहला पड़ाव होता है जिससे NIT मिलती है, उसके बाद JEE Advanced दूसरा पड़ाव होता है जिससे IITs मिलती हैं। तो NIT और IIT में ज़्यादा अंतर नहीं है। अब कई लोग पढ़ने वाले हैं, 15 लाख बच्चे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसमें से 20-25 हज़ार लोग सीट पाते हैं, बाकी सारे लोग प्राइवेट वगैरह जाते हैं। सबसे पहली बात है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, आपको अपने ऊपर फेथ रखना है। अपने ऊपर ट्रस्ट रखने के अलावा IIT को इच्छुक बच्चों को सौरभ की अगली सलाह है डिस्ट्रैक्शन से बचना। तैयारी को लेकर किताबें और मार्गदर्शक या मेंटर पहले तय कर लें, फिर उनसे डिगे ना। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया से खुद को अलग कर लें और मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी बातों के लिए ही करें। तय विधि से पढ़ाई करें, जैसे अगले 24 घंटों का लक्ष्य बनाएं और उसे हर हाल में पूरा करें, यानी टाइम मैनेजमेंट में पारंगत हो। तैयारी में किसी भी शॉर्टकट की सोचे भी ना। तो मेरा बस लास्ट में यही कहना है कि जितना खूबसूरत ये जर्नी है तैयारी करना, उससे ज्यादा खूबसूरत जर्नी कोई नहीं है। बस इसे अपने ऊपर लिख सुने, किसी का फोर्स या किसी को दिखाने या माता पिता या बाहरी लोगों को सपने को साकार करने के लिए नहीं, अपने आप को आगे बढ़ाने, क्योंकि ये 4 साल या 2 साल की मेहनत आपके 40 साल को डिसाइड करने वाली। साथ ही एक महत्वपूर्ण सलाह उन लाखों बच्चों के लिए जो तमाम कोशिशों के बावजूद किसी भी NIIT, IIT या कोई और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश न पा सके। उनको यह याद रखना है कि देश में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। वे अपने रुचि के किसी भी क्षेत्र को चुनें और उसमें पारंगत होने में जी जान से जुट जाएं। इस प्रकार से भी वे सफलता की चोटी पर पहुंच सकते हैं बिना किसी औपचारिक शिक्षा या डिग्री के ही। अपनी शिक्षा को IIT जैसे बड़े मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय सौरभ मौर्य अपने बड़े पापा और बड़ी माँ को देते हैं। इनका परिवार मूलतः जौनपुर के पास स्थित एक छोटे गांव से है। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के एक गरीब किसान परिवार में सौरभ मौर्य का जन्म हुआ था। हमारे यहाँ परंपरा रहती थी खेती करने का, तो कभी कभार तो हम लोगों ने सब्जियाँ वगैरह भी बेची हैं। और साथ में मेरा एक ड्रीम रहता था कि जैसे बड़े बड़े कंप्यूटर की दुकान है मार्केट में, तो मेरा भी एक कंप्यूटर का दुकान हो। पढ़ाई के लिए इतना मेरा कोई सिलसिला उस समय नहीं था। पर उनके यहाँ पढ़ाई पर जोर था, जिसके कारण परिवार के तीनों बेटों को मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए जौनपुर से वाराणसी भेजा गया। मेरे जो बड़े पापा बड़ी मम्मी थी, सौभाग्य से उनकी वजह से ही हमारे दोनों भाई और हम पढ़ाई के लिए अग्रसर हुए। हमने शुरू से ही कुछ न कुछ ध्यान दिया है और बहुत अच्छे तरीके से गाइड भी किया है कि अच्छे ढंग से विधि पूर्वक पढ़ाई करें। सौरभ के दोनों बड़े भाई IIT BHU से निकलकर अच्छी नौकरी कर रहे हैं और सौरभ ने तो IIT BHU में रहते हुए ही करोड़पति बनकर कमाल कर दिया। माता पिता और इसके बड़े पापा और बड़ी माँ, इन लोगों का रिस्पांस? सर वो लोग तो बहुत प्राउड फील करते हैं, रियली कहते हैं कि यार इतना मीन्स वो लोग इतना सोचे ही नहीं थे कभी। स्टार्टिंग में मुझे याद है जब पापा वगैरह सुने कि इतना ज़्यादा वैल्यूएशन है, तो वो लोग थोड़ा सा होता ना सर, वो थोड़ा सा इमोशन हो जाते हैं। सौरभ के सफलता देखकर हमको बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि सौरभ बहुत आगे बढ़े। आज हमको एक खुशी हो रही है, हम जिस गरीबी से निकले हैं सौरभ उसको पूरा कर रहा है। लेकिन सौरभ ने हमारे घर का सारा नक्शा बदल दिया। कितने भाग्यशाली हैं हम कि सौरभ की बड़ी मम्मी हैं। काश ऐसे ही बच्चा सबको हो, हर माँ धन्य हो जाए। आज हमारी भाई उसी की देन है कि हम आज एक मिलेनियर फैमिली से हम ये कह सकते हैं, यस वी आर मिलेनियर, क्योंकि परिवार में अगर एक बड़ा बन जाता है तो पूरा परिवार बड़ा बन जाता है।
करोड़पति सौरभ भी फूला नहीं समा रहा कि वो आज इतना संपन्न है कि परिवार के लिए बहुत कुछ कर पा रहा है। तो सर अभी की स्थिति यह है कि बनारस में 3 जगह जमीन है, 2 जगह फ्लैट है, 2 जगह ऑफिस है, 1 जगह कोचिंग चल रही है, ये तो स्थिति है। और घर द्वार परिवार में मेरी कार है, मैंने अपने बड़े पापा को गाड़ी गिफ्ट किया, मैंने अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट किया, मैंने सूरज भैया गिफ्ट किया, एक दीपक भैया गिफ्ट करने वाला हूँ। तो अभी ऐसा है कि जहाँ मैं हाथ रख दूँ वो मेरा हो जाएगा, इस तरह का हो गया है। अपने गाँव रसिकापुर में दादाजी के समय की इस झोपड़ी के पास पापा और बड़े पापा ने यह 1 मंजिला पक्का मकान बनवाया था, जिसे अब सौरभ 2 मंजिली इमारत में तब्दील कर चुका है। आसमां से ऊपर मंजिलें और भी हैं। जी हाँ, सौरभ मौर्या की सोच केवल IIT में दाखिले तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि उनका सपना है पूरी शिक्षा को ही आजीविका से जोड़ने की, खुशियों से जोड़ने की, न कि सिर्फ नौकरी पाने की एक सीढ़ी ही बनाए रखने की। और खुद अपनी सफलता की कहानी तो उनके पास एक केस स्टडी के रूप में है ही। सौरभ मौर्या बिल्कुल साधारण परिवार के बच्चों को भी अपने सपने संवारने का अवसर देना चाहते हैं। इसके लिए उनके पास वरिष्ठ और सफल शिक्षकों की एक टीम है, जैसे रविकांत सर, जो सौरभ को भी पढ़ा चुके हैं उसके IIT की तैयारी के दिनों में। हमारा मेन मोटो ऐसा कि देखिए क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, कि सब लोग बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं जा सकते हैं, कि भाई कोटा चले जाएं या बड़ी बड़ी जो कोचिंग है वहाँ जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो उनको हम ये प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि वो स्ट्रगल वो ना करें और वो वहाँ तक वो अचीवमेंट वो करें, जहाँ तक सौरभ जहाँ IITs में जा चुका है, तो वहाँ भी हम IITs में ही बच्चों को सिलेक्शन दिलाना चाहते हैं और उसके लिए हम लोग कमिटेड हैं। IIT की तैयारी के साथ साथ सौरभ की रैंकर्स NTSE यानी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की तैयारी भी करवाती है, जिससे हर विषय के प्रतिभावान विद्यार्थियों की बुनियाद ठोस बने और भविष्य उज्जवल हो। सरकार 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए NTSE परीक्षा आयोजित करती है। NTSE पास करने से बच्चों को PhD लेवल तक जब तक वो पढ़ते हैं तब तक स्कॉलरशिप मिलती है। इंडिया के वो स्कॉलर्स होंगे, इंडिया के टॉप स्टूडेंट होंगे, उन बच्चों को प्राउड होगा कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं NTSE क्रैक करूंगा तो मुझे लाइफ भर स्कॉलरशिप मिलेगी, मैं अपने आप को एक बहुत प्राउड स्टूडेंट फील करूंगा, मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे। आगे चलकर सौरभ बच्चों के भविष्य और उनकी खुशी को केवल IIT या नौकरी से ही बांधकर नहीं रखना चाहते। हर बच्चा BTech में आके प्लेसमेंट के पीछे भागता है, सबको IIT चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, सबको गुलाम बनना है। हम चाहते हैं कि कैरियर सीखें, तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां AX से लेके ZA से लेके भी हर चीज वहां उपस्थित रहे। आपको सिलाई सीखना है, निर्विकॉक सीखिए, आपको गाड़ी चलाना सीखना, आपको मैकेनिक बनना है, आपको कंप्यूटर चलाना, आपको SDD बनाना, आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना, आपको डिजिटल मार्केटिंग करना, आपको स्पॉन्सरशिप करना, हर चीज़ हम वहाँ सिखाना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा ड्रीम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं और इसको मैं पाके रहूँगा। हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं कि अपने इस प्रयास में सौरभ अवश्य सफल हो, ताकि औपचारिक शिक्षा के सारे बंधन तोड़ बच्चे भविष्य में खुशियों के अनंत आकाश में उन्मुक्त विचरण कर सकें। महज 2-3 साल में सौरभ मौर्या की 500 रुपए से 25 करोड़ रुपए वाली चमत्कारिक सफलता की प्रेरक दास्तान देख सुनकर मुझे पता है आप कह रहे होंगे क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।